हेलो दोस्तों, गेट्स मैशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और दोनों ही क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हैं। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेस्टिंग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां पे क्वेश्चंस आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नेट का एग्जाम ले लो, चाहे वो आईटी ऑफिसर का एग्जाम ले लो, चाहे आप केवीएस का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो सीएससी से रिलेटेड, आपको जो है टेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और यहां पर अगर हम बात करें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमारे पास जो टेस्टर है, टेस्टर के पास जो टेस्ट कर रहा है, वो टेस्टर के पास जो है इंटरनल स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। तो इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब है सोर्स कोड, जो प्रोग्राम है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और ईच एंड एवरी मॉड्यूल, ईच एंड एवरी ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू टेस्ट, और टेस्ट केसेस जो हम बनाते हैं और उन टेस्ट केसेस को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो यहां पे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का अगर हम एग्जांपल लें तो पाथ कवरेज, या जिसको हम बोलते हैं बेसिक पाथ, तो उसको जो है हम बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट है। लेकिन जो इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, कॉज इफेक्ट ग्राफ, स्टेट बेस्ड टेस्टिंग, ये तीनों आती हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर, और ये आती है व्हाइट बॉक्स के अंदर। और बेसिकली हम करते क्या है पाथ कवरेज के अंदर, पाथ कवरेज के अंदर जो, जैसा कि मैं पता है कि एक सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें या एक प्रोग्राम की बात करें, तो उस प्रोग्राम के या सॉफ्टवेयर के मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स होते हैं, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, और हमने करना क्या है, उन सारे पॉइंट्स को हमने कवरअप करना है। मतलब एक प्रोग्राम के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको हमने कवरअप करना है, और कवरअप करने का मतलब है कि इतने सारे जो टेस्ट केसेस बन रहे हैं उन सारे टेस्ट केसेस को हमने चेक करना है। और यहां पे हम यूज करते हैं साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का मेथड, और उस साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू हम इंडिपेंडेंट पाथ्स को फाइंड करते हैं और ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। जैसे अगर हम बात करें, लेट्स से प्रोग्राम के अंदर इफ है, एल्स है, उसके बाद फिर इफ है, एल्स है, कोई भी अगर हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लें, तो हमें बेस्ड ऑन इफ, अगर हम इस इफ की बात करें तो इसके बेसिस पे हमें एक टेस्ट केस बनाना पड़ेगा, एल्स के बेसिस पे टेस्ट केस बनाएंगे, इफ के बेसिस पे, एल्स के बेसिस पे, सारे जो मॉड्यूल है, सारे जो टेस्ट केसेस है, उन सारे टेस्ट केसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम के अंदर जितने भी आपके पास मल्टीपल ब्लॉक्स हैं उन सारे ब्लॉक्स को क्या करना है, चेक करना है। तो यहां पे पाथ कवरेज जो है वो व्हाइट बॉक्सिंग का पार्ट है। देन अगर हम बात करें इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, तो इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, वी डिवाइड द टेस्ट डेटा इनटू ग्रुप्स। मतलब हम सारे टेस्ट केसेस को कवर अप नहीं करते, हमारे पास वी आर नॉट एबल टू कवर अप ऑल द टेस्ट केसेस, तो हमने क्या किया, ग्रुप बना लिए। लेट्स से कि अगर हम बात करें, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं, हमने ग्रुप बना लिए कि अगर लेस देन 18, कोई भी, लेट्स से एक मूवी का एग्जांपल ले लेते हैं कि या तो उस मूवी को, मतलब 18 से अगर एज कम है तो वो नहीं देख सकते, और लेट्स से अगर 56 से एज ज्यादा है तो वो नहीं देख सकते। मतलब उस मूवी को कौन दे सकते हैं, जिनकी एज ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन क्या है, 56। तो हमने यहां पे क्या किया, ग्रुप बना लिए। अब हम कुछ टेस्ट केसेस लेंगे जो 18 से कम होंगे, कुछ टेस्ट केसेस लेंगे जो इनके बीच में आएंगे, और कुछ टेस्ट केसेस लेंगे जो इस डेटा के अंदर आएंगे। तो उन टेस्ट केसेस को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हमारे पास यहां पे टेस्ट केसेस को हम रिड्यूस करते हैं बाय ग्रुपिंग अप। तो लेकिन ये आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आता है। देन कॉज इफेक्ट ग्राफ, कॉज इफेक्ट ग्राफ के अंदर अगर हम बात करें तो बेसिकली कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताता है, और इसको हम ग्राफ के थ्रू इस तरीके से, लेट्स से कि कॉज है और वो कॉज जो है वो किस इफेक्ट को लीड कर रहे हैं, मतलब जो हमारा जो भी कोई इफेक्ट हो रहा है वो इफेक्ट किस बेसिस पे हो रहा है, उसका कॉज क्या है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम डिनोट करते हैं बेस्ड ऑन द ग्राफ, दैट इज अ कॉज इफेक्ट ग्राफ। लेट्स से एक सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं यहां पे, हमारे पास एक कॉज है C1, लेट्स से कि यूजर नेम है, और एक कॉज है C2, लेट्स से पासवर्ड। अब यहां पे अगर मैं इन दोनों के बीच में एंड लगा देता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ आप वैलिड भरोगे तब इफेक्ट क्या होगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन दोनों में से अगर एक भी गलत हुआ, या तो यूजर नेम गलत हुआ या पासवर्ड, तब आपका इफेक्ट क्या होगा, लॉगिन अनसक्सेसफुल। तो इस तरीके से जो है हम एप्लीकेशन को या आपने जो पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ
ब्लैक बॉक्स. देन स्टेट बेस्ड टेस्टिंग या स्टेट ट्रांजिशन भी बोलते हैं इसको, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग. तो स्टेट ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि इसमें हम मल्टीपल इनपुट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब मल्टीपल इनपुट्स जो है वो एप्लीकेशन के अंदर देते हैं और फिर हम उसके बेसिस पे चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आ रही है. और इनपुट्स को हम क्या करते हैं, लाइक कुछ पॉजिटिव इनपुट्स दी, कुछ नेगेटिव इनपुट्स दी और उसके बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या आउटपुट आ रही है. जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं, एटीएम का एग्जांपल लें, तो एटीएम में अगर मैं लेट्स से कि अगर मैं वैलिड अगर आप पिन भर रहे हो, मैंने वैलिड पिन भरा तो मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई. मैंने लेट्स से दो बार पिन गलत भरा और फिर थर्ड टाइम मैंने पिन सही भर दिया तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई. लेट्स से मैंने तीनों बार अगर पिन गलत भरा तो ट्रांजैक्शन क्या हो गई, आपकी फेल हो गई, कार्ड भी ब्लॉक हो गया. तो यानी आप अगर जो इनपुट दे रहे हो उस इनपुट के बेसिस पे आप किस स्टेट पे पहुंच रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ स्टेट ट्रांजिशन. जैसे अगर हम लेट्स से स्टार्ट करें ट्रांजैक्शन को, मैंने फर्स्ट पिन जो है वो फर्स्ट टाइम पिन एंटर किया और अगर मैंने वो सक्सेसफुल किया तो मेरी जो ट्रांजैक्शन क्या हो गई, सक्सेस. और अगर मैंने गलत भरा तो एक तरह से कह सकते हो ट्रांजैक्शन क्या हो गई, डिक्लाइन हुई. फिर मैंने दोबारा फिर भरा, अगर मेरा वहां पे पिन मैंने सही भरा तो यानी मेरी क्या होगी, सक्सेस, अदरवाइज क्या होगी, डिक्लाइन. और अगर मैंने थर्ड टाइम गलत भरा तो ऑब्वियसली क्या होगा, कार्ड यहां पे हो जाएगा ब्लॉक. तो मतलब हर एक इनपुट के बेस पे, चाहे वो इनपुट पॉजिटिव या नेगेटिव इनपुट के बेस पे, हम किसी स्टेट पे पहुंच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग या स्टेट बेस्ड टेस्टिंग. तो ये तीनों आती हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर और पाथ कवरेज आती है व्हाइट बॉक्स. पाथ कवरेज में जो हमने साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का मैंने बताया कि हम जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को हम मल्टीपल ब्लॉक्स में जब हम चेक करते हैं तो चेक करने में ऑब्वियसली मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपको सारे टेस्ट केसेस को कवर अप करना पड़ेगा. तो इतने टेस्ट केसेस को कवर अप करने की बजाय हम इंडिपेंडेंट पाथ फाइंड आउट करते हैं, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स फाइंड आउट करते हैं और वो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स फाइंड आउट करते हैं साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे. हम उसका कंट्रोल ग्राफ या जिसको हम बोलते हैं फ्लो ग्राफ बनाते हैं और उस फ्लो ग्राफ और कंट्रोल ग्राफ के बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, जो बताता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट या आप कह सकते हो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ्स. और उन इंडिपेंडेंट पाथ्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे टेस्ट केसेस हैं. तो उन टेस्ट केसेस को आप सिर्फ कवर अप करो तो सारे उनको करने की जरूरत नहीं है, जिससे आपका टाइम जो है वो कंज्यूम होगा क्योंकि जितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कम बनेंगे. कम बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने इग्नोर नहीं करने, टेस्ट केसेस सारे ही कवर अप करने हैं, लेकिन हम रिड्यूस कर देते हैं बाय यूजिंग द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी. तो होता क्या है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्लो ग्राफ ऑफ सॉफ्टवेयर कोड. तो यहाँ पे मेरे पास फ्लो ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में और साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि हम पाथ कवरेज में या बेसिक पाथ टेस्टिंग में जो है हम फाइंड आउट करते हैं टू मिनिमाइज द टेस्ट केसेस, या आप कह सकते हो टू फाइंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ, लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ. तो इंडिपेंडेंट पाथ्स को फाइंड आउट करने के लिए या साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल फॉर्मूलेज हैं. जैसा कि एक फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ रीजन्स प्लस वन, नंबर ऑफ बाउंडेड रीजन्स प्लस वन. तो नंबर ऑफ बाउंडेड रीजन्स जो है वो आप फाइंड आउट कर लो और प्लस वन जो है वो कर लो. दूसरा क्या है, नंबर ऑफ एजेस जो है हम लिख सकते हैं, हमारे पास जो ग्राफ दिया उसमें से नंबर ऑफ एजेस निकाल लो माइनस नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है वो कर दो, नंबर ऑफ वर्टेक्स भी हमारे ग्राफ में दिए होंगे प्लस टू, ये फॉर्मूला है. और थर्ड है प्रेडिकेट नोड्स निकाल लो, ऐसी नोड्स जहां से दो एजेस जो है वो निकलती हैं, या आप कह सकते हो कि जहां पे कंडीशनल एजेस जो कंडीशनल नोड्स को हम क्या बोलते हैं प्रेडिकेट नोड्स प्लस वन. तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला जो है वो आप यूज कर सकते हो. तो बेस्ट जो है वो रीजन्स फाइंड आउट करने का है, हमेशा यही फॉलो कर लो नंबर ऑफ रीजन्स प्लस वन. तो बाउंडेड रीजन्स जो है यहाँ पे फाइंड आउट करने, बाउंडेड मतलब जो चारों तरफ से घिरे हो, ओपन ही होना चाहिए. तो देखो यहां पर अगर हम बात करें इस रीजन की, ये रीजन देखो चारों तरफ से एजेस से घिरा हुआ है, तो यहां पे मेरा ये रीजन क्या बन गया, वन. दूसरा रीजन क्या बन रहा है, ये देखो ये भी पूरा जो है वो बाउंडेड है, पूरा घिरा हुआ है चारों तरफ से, तो ये बन गया आर टू रीजन. थर्ड कौन सा रीजन है, ये देखो ये वाला आपका बन रहा, ये पूरा ये वाला आर थ्री. तो कितने बाउंडेड रीजन हो गए, थ्री. तो थ्री प्लस वन जो है वो आपको करना है. तो नंबर ऑफ रीजन्स आपके कितने हैं, थ्री प्लस वन किया तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई आपकी, फोर. सो द आंसर इज व्हाट, फोर. लेकिन अगर हम यहां पे बात करें, फाइंड आउट करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन से फोर इंडिपेंडेंट पाथ आ रहे हैं. तो देखो n1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, n1 से n2
और N3, N3 से N5, N6 लूप को छोड़ दो, तो आप अगर मैं यहां पे लिखूं तो क्या बन जाएंगे, N1, N2, N3, N5, N6, N7, N8 और N8 से आप वापस जाओ N1 पे। एक तो ये बन गया, दूसरा N1, N2, N2 से चले जाओ आप N4 पे, तो N4 से आप N5, N5 से N6, N7, N8, N1। अब हम करते हैं लूप, N1, N2, N3, पहले N3 वाला ले लो, फिर N5, N6, N7, N7 से आप दोबारा जा सकते हो N6 पे, क्योंकि there is a loop, E8 edge है, N6 से आप N7 पे चले गए, N8 और इस तरीके से, और यहां पे हमने N3 लिया था, अब हम N3 की बजाय N4 ले लेते हैं, तो आप यहां पे N4 को रिप्लेस कर दो, rest of the path is totally same, तो यहां पे मेरे पास number of independent paths कितने आ रहे हैं, 4, जिसको हम बोलते हैं cyclomatic complexity, thank you।